आज बात करेंगे अर्धनारीश्वर का। देखिए अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव जो है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा पद्म भूषण, पद्म भूषण है ना, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो उसने कहा था नहीं है, है ना, जूठन नहीं है, तिरिच नहीं है, अर्धनारीश्वर है, क्या है, अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, बेगूसराय में, कहाँ हुआ था, बेगूसराय में, याद रखना है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ, तो बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर में किस गण का समन्वय है, याद रखिएगा अर्धनारीश्वर में किस गण का समन्वय है, तो याद रखिएगा नारी और पुरुष दोनों का, नारी और पुरुष दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक याद रखिएगा प्रणभंग, कौन सा है, प्रणभंग ये। नेक्स्ट है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, है ना, तो छात्र सहोदर में, याद रखना है छात्र है, छात्र सहोदर याद रखना है, है ना, पहली पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, अब यानी कब प्रकाशित हुई, तो 1925 में, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, तो पत्नी क्या है, भावना है, ये पति विचार है तो पत्नी क्या है, भावना है। नेक्स्ट है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, सबसे पहले बुद्ध और महावीर ने ही नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, भिक्षुनी होने का, है ना, भिक्षुनी होने का, यानी भिक्षुक सिर्फ पुरुष ही होता था, तो नारी को भी अधिकार किसने दिया, बुद्ध और महावीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष जब नारी के गण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो राक्षस हो जाती है, यह कथन किसका है, यह कथन प्रेमचंद का है, किसका है, प्रेमचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, याद रखिएगा तो एकांकी से है, किससे है, एकांकी से। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, तो याद रखिएगा गांधी जी ने, किसने, गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के किस प्रकार का रूप है, तो याद रखिएगा कल्पित रूप है, है ना, किसका, ऐसे भी उल्टा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप किसका है, तो शिव और पार्वती का, यानी शंकर और पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है, तो प्रेमचंद के अनुसार क्या बोले थे, राक्षसी हो जाती है, पर राक्षसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, तो दिनकर जी की नहीं है जूठन नहीं, याद रखिए उर्वशी दिनकर जी की है, रश्मि रथी है, दिनकर जी कुरुक्षेत्र है, ठीक ना, रश्मि रथी में याद रखिएगा वो पूरा जो है ना कर्ण का जो है ना वर्णन है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, तो परशुराम की प्रतीक्षा है ना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, तो यानी दिनकर जी को जो ज्ञान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किस रचना पर मिला था, तो उर्वशी पर मिला था, किस पर मिला था, उर्वशी पर, और उर्वशी किसकी रचना है, तो दिनकर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र, क्या है, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका, तो शिव और पार्वती का, है ना, राम और सीता का नहीं है, राधा कृष्ण का नहीं है, विष्णु और लक्ष्मी का नहीं, शिव और पार्वती का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधारी थी, तो गांधारी कौन थी, तो दुर्योधन की माँ थी, दुर्योधन की माँ थी गांधारी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र थे, तो प्रेमचंद्र क्या थे, कथाकार थे, प्रेमचंद्र क्या थे, कथाकार थे, है ना, प्रेमचंद्र क्या थे, कथाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर का जन्म कब हुआ था, बेगूसराय में हुआ था लेकिन कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था, याद रखिएगा, है ना, 23 सितंबर 1908 को। नेक्स्ट है दिनकर किस युग के कवि हैं, तो दिनकर याद रखिएगा छायावादोत्तर युग के कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आई, है ना, दिनकर किस युग के कवि हैं, तो छायावादोत्तर युग के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत के चार अध्याय किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है, संस्कृत के यानी संस्कृति के चार अध्याय किसकी कृति है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर के, रामधारी सिंह दिनकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा
कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, तो याद रखिएगा शुद्ध कविता की खोज, ये रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है ना।